हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी केक की रेसिपी। ये जो केक है इसे मैंने मड़वा के आटे से रेडी किया है और बहुत ही टेस्टी बनाया है। और सच मानिएगा, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। बहुत ही हेल्दी तरीका है केक खाने का ये। तो कैसे बनाना है ये हेल्दी मड़वे के आटे का केक, इसको देख लेते हैं। इस केक को बनाने के मैंने यहाँ फ्रेश दही का यूज़ किया है। तो हाफ कप मैंने यहाँ पर दही लिया है, 1/4 कप यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, 1/2 कप लिया है शुगर, मैंने बिना पिसे ही ले लिया, आप पिस के भी ले सकते हो। और इसे बीट कर लेते हैं, मीडियम स्पीड पे करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हाई कर लेते हैं और इसे लगातार इस तरीके से बीट करते हैं। बीट करते करते चीनी ऐसे ही 50% मेल्ट हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत ये मेल्ट नहीं भी होता है तो कोई पंगा नहीं है, जब ये बेक होगा तो ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा। और ये अब जैसे कि आप देख रहे हो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें मैंने यहाँ डाल दिया है दूध। दूध भी यहाँ पर मैंने 1/4 कप पहले डाला है और इसे फिर से बीट कर लेते हैं। दूध की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि दही की थिकनेस कैसी है उस पर डिपेंड करता है। घर की दही थी तो ये थोड़ी पतली है, तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप ले लिया मैदा, 1/2 कप आटा और 1/2 कप मड़वा का आटा, इन सभी को 1/2 कप ले लिया है। और 4 चम्मच मैंने यहाँ मिल्क पाउडर ले लिया है। टोटल आटे की क्वांटिटी हो गई है 1.5 कप। 1 TSP यहाँ बेकिंग पाउडर मैंने डाल दिया और 1/2 TSP यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है सोडा। और इन सभी को एक बारी छान लेते हैं। अच्छी तरीके से छानने के बाद अब इसे हमें मिक्स करना है। थोड़ा सा बिना ऑन किए ही मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद ऑन कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे ही इसे मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। और फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, दूध की क्वान्टिटी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसा बैटर में ज़रूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग आप इस समय यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो दूध है वो ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध और मिक्स किया इस बैटर की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए। और ये देख लो बैटर कैसा रहेगा, एक बार ये देख लो। स्पैचुला से एक साथ कर लेते हैं सारे बैटर को। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी, आप चाहो तो अपने पसंद को कोई भी फ्रूट यहाँ ऐड कर सकते हो। और थोड़ा सा वनीला एसेंस और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया विनेगर। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी की जगह आप और कोई फ्रूट डाल सकते हो या बिना फ्रूट के भी बना सकते हो। मेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरी था और मुझे किसी भी केक में इस टाइप का अगर फ्रूट का क्रंच है तो मुझे पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का यूज़ किया है। और इस बैटर को शिफ्ट कर देते हैं टिन में। टिन में मैंने बटर पेपर अप्लाई कर लिया है, ऑयल अप्लाई कर लिया है और सारे बैटर को इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। बैटर आप देख लो ना ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो बैटर आपको ऐसे ही रखना है। अगर आप चाहते हो केक जो बहुत ही स्पॉन्जी बने तो ऐसे ही बैटर आपको रखना है। मैंने थोड़ा सा टैप कर लिया और टॉप में कुछ स्ट्रॉबेरी मेरे पास बचे हुए थे उनको स्लाइस मैंने कर लिया और ऊपर इस तरीके से अरेंज कर लेती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि जब ये बेक होगा तो ऐसे ही स्ट्रॉबेरी इधर उधर चले जाएंगे। लुक वाइज ये ऐसा नहीं दिखेगा जैसा अभी दिख रहा है, पर अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा लगा लो। मेरे पास 2 स्ट्रॉबेरी बच गए थे तो मैंने स्लाइस करके इस तरीके से अरेंज कर लिया। फिर इसको डाल देते हैं बेक होने के लिए। 180 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया और रेडी है बेक हो गए 45 मिनट में ये मड़वे के आटे का केक। रागी का केक जो है बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। इतने बेनिफिट्स है इसके और इतने हेल्दी है ना कि अब इजीली ये पैकेट में मिल जाता है हर दुकान में। तो आप इसे एक बार ला के ज़रूर ट्राई करना। और ये देख लो स्पॉन्जी कितना बना है, कितनी अच्छी तरीके से फुला है, लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रूट्स का मैंने यूज़ कर लिया है, तो आप अगर किसी भी फ्रूट का आप यूज़ कर लो तो इसका जो टेस्ट है और अच्छा हो जाएगा। स्पॉन्जी कैसा है ये तो आप देख ही रहे हो, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कितना अच्छा ये स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। तो इसे एक बार डीमोल्ड कर लेते हैं। केक रेडी है खाने के लिए फ्रेंड्स। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा गर्म है, पर मैं आपको कट करके अभी दिखा लेती हूँ। पर आप जब कट करो तो इसे अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना, वरना ये टूट जाएंगे। तो मैं ऐसे रफली आपको एक बारी कटिंग करके दिखा देती हूँ कि अंदर से लुक वाइज ये कैसा बना है। ये देख लो कितना स्पॉन्जी बना है ना, फ्रूट्स के जो बीच बीच में चंक्स दिख रहे हैं वो इसे और भी टेस्टी बनाते हैं। और मैं स्लाइस भी कर लेती हूँ इसकी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे और भी टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। बाय बाय।